हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक ऐसी मिठाई जिसे हम कभी भी बना सकते हैं और खा सकते हैं। कोई भी इसे खा सकेगा, जैसे कि डायबिटीज पेशेंट हो, कोई भी अगर आप डाइटिंग में हो तो भी इसे आराम से खा सकते हैं। इसमें ना कोई तेल, घी, बटर कुछ भी नहीं लगेगा और ना ही हम इसमें शुगर की इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये इतना अच्छा लगता है कि अब बनाने से आपको पता चलेगा और देखने में भी आप जान पा रहे होंगे कितना ये टेम्पटिंग लग रहा है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे अगले रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके पास पहले आए। पहले हम क्या करेंगे, मेजरमेंट के लिए कोई भी कप या बाउल ले जाएंगे जिसमें कि हम सारी चीज़ों को माप के ले सकें। मैं इसमें ले गई हूँ चावल, जो हम इडली डोसा बनाते हैं वही चावल भी ले सकते हैं और बासमती चावल भी ले सकते हैं। देखिए, एक कप ले गई हूँ मैं चावल, ये बासमती चावल नहीं है, जो हम इडली बनाते हैं वही चावल है। इससे पहले हम 5 से 6 बार धो लेंगे अच्छे से। मैं नल से धो के ले आई हूँ 5-6 बार। उसके बाद इसमें डाल देंगे साफ पानी और इसे छोड़ देंगे अच्छे से फूलने के लिए। मैं इसे रात भर छोड़ दी थी, सुबह जाके बनाई। जितना अच्छे से ये फूलेगा ना, ये ब्लेंडिंग अच्छे से हो जाएगा। देखिए, ये अच्छे से फूल गए हैं, दबाने से एकदम से दब जा रहे हैं। जितना अच्छा ये फूलेगा उतना अच्छा ही हमारा पीठा बनेगा। देखिए, मैं ब्लेंडिंग जार में इसमें रख दी हूँ। उसके ऊपर हम डाल देंगे जिस कप में हम मेजर करके चावल लिए थे उसी में ही 1/2 ग्लास मैं ले गई हूँ दूध। ये रूम टेम्परेचर का दूध है, पहले से गर्म किया हुआ। उसके बाद उसके ऊपर डाल देंगे हम जितना दूध लिए थे उतना ही नारियल को कट करके मैं उसमें डाली हूँ। 1 पिंच नमक उसमें डाल दी हूँ। इसे अभी मैं अच्छे से ब्लेंड करके ले आई हूँ। देखिए, इसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं अच्छे से ये पीस गया है, इसे दूसरे बाउल में हम ट्रांसफर कर देंगे। अभी इसको हम ढक के रख देंगे करीब 2 घंटे के लिए। ये अच्छे से फूल जाएगा, जितना अच्छे से फूलेगा ना हमारा पीठा उतना ही अच्छा बनेगा। देखिए, ये फूल के थोड़ा गाढ़ा हो गए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, गैस में एक सॉसपैन बिठा के उसमें उसी कप में ही मैं डाली हूँ गुड़। जितना हम दूध लिए थे उतना ही हम गुड़ डाले हैं। आप अगर ज़्यादा मीठा चाहते हैं तो थोड़ा और भी गुड़ डाल सकते हैं। गुड़ को हम पहले थोड़ा सा पानी डाल के पिघला लेंगे। हमें इसे पकाना नहीं है, बस इसका लिक्विड बनाना है। ये अच्छे से ये पिघल गया है। गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दी हूँ। अभी ये गर्मा गर्म ही हम डाल देंगे उस बैटर में, छान के, ताकि इसके गुड़ में जो होता है ना गंदगी, वो निकल जाए। सारे गुड़ को मैं छान के बैटर में डाल दी हूँ, मिला लेंगे इसे अच्छे से। इसका कलर बहुत अच्छा आता है और गर्मा गर्म डाल देने से ना ये जो पीठा है बहुत अच्छा बनता है। आपको आगे देखने से पता चल जाएगा कि कितने बढ़िया तरीके से बनते हैं। इसमें हम कोई नो सोडा कुछ भी नहीं डालेंगे। देखिए, ये इतना ही पतला होना चाहिए, अगर गाढ़ा ज़्यादा हो जाएगा तो पीठा अच्छे से नहीं बनेगा। अभी मैं इलायची पाउडर डाल दी हूँ थोड़ा सा, और नारियल को भी छोटे छोटे टुकड़े करके डाली हूँ ताकि ये मुंह में आने से ना अच्छा लगता है। अभी हम क्या करेंगे, गैस में एक मोटे तले का कढ़ाई बिठा लेंगे और उसे अच्छे से गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा सा तेल स्प्रेड करके थोड़ा सा बैटर उसमें डालेंगे। अब देखें,
वीडियो में कैसे बता रही हूँ, और उसे ढक लेंगे। एक से डेढ़ मिनट के अंदर ये अच्छे से पक जाते हैं। इसे हम लो मीडियम फ्लेम में ही बनाएंगे, ज़्यादा हाई कर लेने से ना ये नीचे से लग जाते हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं, आपको देख के पता चल रहा होगा, ये बहुत अच्छा भी लगता है खाने से। अभी मैं दूसरा डाल रही हूँ, थोड़ा सा तेल स्प्रेड करके थोड़ा सा बैटर डाली हूँ। जैसे हम 3-4-5 करते जाएंगे ना, ये अच्छे से इसे छोड़ेगा, इसे खरोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कम तेल दे रहे हैं, इसीलिए ये ऐसे होते हैं। 5-6 हो जाने के बाद आराम से ये कढ़ाई छोड़ देता है। एक एक करके मैं सारे पीठा को ऐसे बना लूँगी। देखिए अभी ये आराम से छोड़ रहा है कढ़ाई, हमें ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। इतना टेम्पिंग लग रहा है, आपको देख के पता चल रहा होगा। आप इसे लंच में हो या ब्रेकफास्ट हो या डिनर हो, कभी भी बना के खा सकते हैं। खाने में तो बहुत अच्छा लगता ही है और बहुत हेल्दी भी है। कभी कभी हमको मीठा खाने को बहुत मन करता है, ये रेसिपी आप बना के ज़रूर खा सकते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और एक दूसरे प्रोसेस भी है, पिठा बनाने के बाद हम क्या करेंगे, दूध, थोड़ा सा दूध में चीनी डाल के उसे उबाल लेंगे और पिठा को ऐसे छोड़ देंगे। सारे दूध को ये पिठा अब्जर्व कर लेगा और वो भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब दोनों में से कोई भी बना के खा सकते हैं। एकदम सॉफ्ट रहता है ये, आपको काट के दिखा रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो ज़रूर ये रेसिपी को आप ट्राई करके खाइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।